बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। मनीषली आप देख रहे हैं समाचार बुंदेलखंड। सालों से भारतीय जनता पार्टी में सेवा कर रहे राकेश रत्नाकर महापौर की सीट अनुसूचित जाति में हुई है, वैसे ही उन्होंने भी दावेदारी की है। बात करेंगे राकेश रत्नाकर से कि किस प्रकार से जनता की सेवा करेंगे और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो जनता में कितना खरा उतरेंगे। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, किस प्रकार से आप जनता की सेवा करने के लिए उतरे हैं, दावेदारी करी है भारतीय जनता पार्टी के टिकट की? मैंने भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के लिए, संभावित प्रत्याशी के लिए दावा किया है और मैं अच्छे स्वास्थ्य की सेवाएं, स्वास्थ्य पूरे नगर में स्वास्थ्य की सेवाएं दूंगा, शिक्षा दूंगा बच्चों को और चौमुखी विकास करूंगा और सड़कें बनवाऊंगा, नालियां बनवाऊंगा, पार्क बनवाऊंगा, सभी करवाऊंगा। राकेश जी ये बताइए कि आपने अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं अभी तक कितने कार्यक्रम ऐसे कर दिए हैं जो कि जनता के बीच में गए हैं, या जैसे ही अनुसूचित जाति हुई है टिकट या अभी दावेदारी की है? हमारे यहाँ अभी अमित शाह जी आए थे, पहले अमित शाह आए थे और मैंने कई कार्यक्रम किए हैं, सम्मेलन किए हैं, सामूहिक विवाह सम्मेलन भी किए हैं मैंने और सामाजिक कार्य भी किए हैं और पार्टी के भी कितने कार्यक्रम करवाए हैं मैंने। क्या लगता है झांसी में अभी क्या कमी है विकास की, क्या देखा आपने आप, क्योंकि आप भी गलियों में सड़कों पर घूमते हैं? अभी हमने देखा यहाँ स्वास्थ्य सेवा सही नहीं है, स्वास्थ्य सेवा सही नहीं है, शिक्षा की सेवा भी सही नहीं है। अभी शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है और पार्कों के ऊपर ध्यान देना है और लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी आप पे आपने दावेदारी की है टिकट के लिए? अभी तक तो टिकट नहीं मिला खटीक समाज को। अगर खटीक समाज से और मैं पार्टी के नाते दावा कर रहा हूँ, विधायक जी से, माननीय विधायक जी से और पार्टी से, पूरी पार्टी से, मुकेश मिश्रा जी से कि मुझे प्रत्याशी, अनुराग शर्मा जी से जिससे है ना मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए, संभावित प्रत्याशी हूँ अभी मैं, और तो मैं चौमुखी विकास करूँगा, ज़्यादा ज़्यादा विकास की गंगाएं बहा दूंगा। तो ये थे राकेश रत्नाकर जी, उनका कहना कि पार्टी टिकट देती है तो झांसी के अंदर विकास की गंगा बहेगी। झांसी से समाचार बुंदेलखंड के लिए मनीष अली।